हाय गाइस, टू वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम को 5 बजे, लगभग 5 बजे होंगे। और अभी यहाँ पे बिल्कुल दूर नहीं, बारिश बहुत तेज़ हुई अभी। तो आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे घर के जो जस्ट पीछे का जो व्यू है ना भाई, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मतलब क्या अच्छा लग रहा है। तो ये मैं अपने घर के सबसे ऊपर वाली छत पर आ गया हूँ, जहाँ पर टंकियाँ रखी, मतलब तो वहीं पर सबसे, और आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ये रहा मेरा घर और मैं सबसे ऊपर हूँ, टॉप फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। और गाइस ये देखो, मतलब जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा सकती है, जहाँ तक नज़र जा सकती है, आपको ग्रीन ग्रीन ही पूरा दिखेगा। और ये एक रास्ता का, ये जो बहुत ख़राब रास्ता है, जो मैं कभी नहीं जाते रास्ते से, बट भाई पूरा मतलब ग्रीन ग्रीन, पूरा नेचर जैसा लगता है, मतलब पूरा। अब गाँव में तो आप लोग जानते हो कि खेत और घर जुड़े रहते हैं गाँव में, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमेशा मैं आता हूँ, अगर बारिश नहीं होती तो हमेशा शाम को मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ, चाहे भले 10 मिनट के लिए आऊँगा ज़रूर। और अभी मैंने रिसेंटली फाइनली अभी मैंने यहाँ पे अपना वाईफाई लगवाया हुआ है, जो है जियो का एयर फाइबर है, क्योंकि नेट की बहुत प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ, तो ये जियो का एयर फाइबर मैंने लगवाया है। और अब बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है, इसका फीडबैक मतलब मैं जैसे देना चाहता हूँ, तो ये 30 MB/s मतलब स्पीड पे मैंने जो प्लान लिया था वो है, तो 29 अप्रॉक्स दे देता है, मतलब बहुत अच्छी स्पीड दे रहा है। तो मेरा फीडबैक तो बिल्कुल इस पर A1 है। और आप लोग के अगर लगा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताना, आप लोगों के अगर जियो एयर फाइबर लगा हो तो भाई। लेकिन भाई देखो पीछे का, आप लोग देखो, मतलब जितनी दूर नज़र आ रही ना गाइस। और आप लोगों को मैं अपना गाँव दिखाता हूँ, तो ये मेरा गाँव है, ये आप लोगों को एक ये शॉप दिख रही है ना, ये मेरे फ्रेंड की है, जिसको आप लोग जानते होंगे, बाकी जो जानता हो इस गांव को तो ज़रूर बताना। वैसे मेरे गांव हमीरपुर से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर दूर पड़ता है राट रोड पे। अब आप लोग गेस कर लेना हमीरपुर से 20 किलोमीटर कौन सा गांव है। नाम नहीं बताऊँगा गाँव का, आप लोग अगर पता हो तो कमेंट में बताना, अगर सही होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और बाकी अभी तो बारिश नहीं हो रही है, अभी हुई थी थोड़ी देर पहले हुई है बारिश, बट अभी नहीं हो रही बारिश। बाकी अगर बारिश होगी तो मैं पहले ही नीचे बग जाऊंगा, कि मुझे भीगना नहीं है। और यार थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा सा मैं वीडियो प्रॉपर नहीं बना पा रहा था, ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे मेरे। तो बाकी अब थोड़ा सा कोशिश करूँगा, थोड़ा सा बेटर है। तो रोज़ देखो, मतलब काफ़ी वीकनेस भी आ गई, आप लोगों को भी लग रहा होगा। जस्ट वेट एक सेकेंड, ये देखो जस्ट वेट, ये काफ़ी वीकनेस भी आ गई है। तो वैसे मुझे फ़ील हो रहा है, आप लोगों को आई डोंट नो, पता नहीं लग रहा है, बट मुझे फ़ील हो रहा है अंदर से, काफ़ी वीकनेस है, बट धीरे धीरे सही हो जाऊंगा फिर से अपना ऐसे। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो। और ये देखो, ये मेरा है गांव, ये मतलब सब, अभी मेरा घर फाइनली पे अभी बना है, पहले नहीं बना था इतना, पहले खाली ग्राउंड फ्लोर ही बना हुआ था, अब फर्स्ट सेकेंड फ्लोर अभी बना है। और वो जो जस्ट मैं दिखाता हूँ, मैं लेके आया था कानपुर से गमले, 4 गमले, जिसमें अभी 3 तैयार हो गए, 3 पे पेड़ लग गए, 1 अभी नहीं लगा, आई डोंट नो, पर उसमें लगा दिया गया, बट वो अभी हुआ नहीं है, उस पर तुलसी लगाई गई है बट वो हुई नहीं है। और अभी बारिश शायद होने वाली है, बट पता नहीं है। बट यहाँ पे ना यार जियो के जो नेटवर्क थे मेरे पहले जो, इसलिए मैंने इसको वाईफाई क्यों लगवाया, क्योंकि मेरे जियो के नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करते थे, मतलब जिस जहाँ रूम था मेरा नीचे, तो एक नेटवर्क आता था यार, तो नेट ही नहीं चलता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती, ना रील्स अपलोड हो पाती थी ना कुछ, तो मुझे मजबूरी में ये लगवाना पड़ा। और गाइस आप चारों तरफ देखो, वैसे मेरी टी शर्ट भी ग्रीन है और पीछे भी ग्रीन 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 सारा दिख रहा होगा। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अपना गांव, ये मतलब मेरे गांव में थाना है, तो आपको थोड़ा सा इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा गांव पे थाना है, मतलब मेरा जो गांव है उस पे थाना है, इसी गांव पे आपको दिख रहा होगा टावर। जस्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये यहाँ का थाना है, जो टावर दिख रहा है यहाँ पे, ये है थाना ही है। और ये मतलब मेरा घर मेन हाईवे पर ही है, मेन रोड पे ही है, बस ज़्यादा लोकेशन नहीं बताऊंगा, आप लोग अगर इतना सा गेस कर सकते हो तो जान जाओगे कहाँ पे है। बाकी
अभी तबीयत मेरी काफ़ी सही है, पहले से तो काफ़ी सही है, और धीरे धीरे जो सही वो भी सही हो जाएगी। फिर उसके बाद कहीं बाहर का टूर का प्लान बनाते हैं। अभी तो नहीं कहीं गए, काफ़ी दिन से नहीं गया, कानपुर गया था तो वो भी एक ही दिन में रिटर्न आ गया। मैं आप लोग को बताना ये कैसी लगी यहाँ की लोकेशन, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोगों को भी सबको अच्छा लगता होगा। मुझे क्या कि घर के अगर पीछे अगर इतनी अच्छी लोकेशन हो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे खेती होती, मेरा खेत वहाँ पे, यहाँ से तो बहुत दूर है, मतलब यहाँ से तो नहीं दिखेगा बट है वहाँ पे है मेरा खेत। तो वैसे खेत मैं नहीं जाता, बहुत कम जाता हूँ, जब कभी कुछ काम हुआ साल में एक दो बार चला गया चला गया, बाकी मैं नहीं जाता, पापा ही जाते हैं ज़्यादा करके मोस्टली। तो और आप लोग बताओ व्लॉग में मैं किस टाइप के व्लॉग बनाऊँ, मतलब डेली बेसिस पे व्लॉग बनाऊँ या टूर वाले व्लॉग बनाऊँ, आप लोग किस टाइप के व्लॉग पसंद है तो मैं उस टाइप के व्लॉग अपलोड करूँगा, मतलब डालने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग बताइए, और जिसने भी अभी तक पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, भाई सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्या जाता आप लोग सब्सक्राइब, पैसे नहीं लगते भाई, तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते भैया, तो प्लीज़ कर लो। और बाल मैंने कट करवाए थे यार, शायद थोड़े थोड़े से बढ़ गए हैं बट अभी नहीं कराएंगे, अभी सावन चल रहा है, अब सावन के बाद ही कट करवाएंगे। और गाइस एक चीज़ बताता हूँ, ये दोनों टंकियाँ खाली हो गई हैं, पता नहीं क्यों, लाइट भी आ रही थी, पता नहीं किसी ने पानी नहीं भरा, अभी मैं नीचे जाऊँगा लाइट आ रही होगी तो दोनों टंकियों, क्योंकि इनमें बहुत थोड़ा सा पानी है, बहुत थोड़ा सा। फिर मेरे घर के नीचे से बकरियाँ निकल रही हैं, ये देखो गाइस, मेरे तो रास्ता कितनी ख़राब है, ये देखो, मैं तो कभी जाता भी नहीं इस साइड, देखो ये कितनी ख़राब रास्ता है यहाँ की, देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखो बकरियाँ, ये यहाँ पे चरने जाती हैं, वहाँ भी बकरियाँ चर रही हैं, उस साइड भी मतलब घर बने हैं ये, बट ये गाइस चेक द लोकेशन, यहाँ की लोकेशन आप चेक करो, मतलब जितनी दूर जा सकती है आपकी नज़र गाइस, तो आपको ग्रीन 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 ही दिखेगा। अच्छा मोस्टली ये घर आपको बताता हूँ, ये घर बंद रहता है, बहुत दिन से बंद रहते, इस घर के अंदर भी देखो घास कितनी सारी लगी हुई, कोई रहता नहीं इस घर पे, एक डेढ़ साल से लगभग बंद है ये, ये देखो कितनी सारी बकरियाँ हैं। तो ये कोई वैसे ब्लॉग तो नहीं था, एक छोटा सा ब्लॉग था, तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, और आप ये ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस क्या डालूँ, कैसा डालूँ, आप लोग बताओ, टूर वाले ब्लॉग डालूँ या डेली बेसिस के, मतलब डेली लाइफ स्टाइल के जो भी ब्लॉग हैं। तो मुझे ज़्यादातर तो टूर वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं, बाकी आप लोग बताओ आपको कैसे अच्छे लगते हैं, बाकी जैसे आप कमेंट करो। और वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे इस टाइम का मौसम हो रहा है, मतलब कभी बारिश हो रही, कभी धूप, धूप तो बहुत कम होती है, हल्की होती है, तो इस टाइम पे वैसे घूमने जाने का मज़ा एक अलग ही होता है, मतलब घूमने जाओ तो भाई इस मौसम पे ही घूमने जाओ, तो ना गर्मी लगती ना सर्दी, मतलब नॉर्मल है बिल्कुल टेम्परेचर अभी तो गाँव पर। तो वैसे कानपुर में थोड़ी गर्मी लग रही थी जब गया था मैं, यहाँ गर्मी का मैं कानपुर में ज़्यादा होती बिट, क्योंकि ये गाँव है और यहाँ पर देखो आप लोग कितने सारे पेड़ मिल जाएंगे, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है मेरे, तो इसलिए यहाँ गर्मी इतनी नहीं लगती है, बट कानपुर में यार बहुत गर्मी रहती है सच में। तो चलिए फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप लोग बताना आपको कैसा लगा ब्लॉग, और कमेंट करना, लाइक कर देना, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।